Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. My name is Zishan and you are watching my YouTube channel Learn English with British. Okay guys, so aaj ka hamara jo topic hone wala hai, aaj main aap logo ko 10 ways of learning English. आज मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को अच्छा नहीं बहुत अच्छा बना सकते हो. Yes guys, so let's get started. Yes. The first and foremost part is listening. Yes guys. English में सुनना उतना ही जरूरी होता है जितना कि बोलना. अगर हम चीज़ों को सुनते नहीं हैं तो हमें याद भी नहीं रहता है कि हमने क्या चीज़ें सुनी थी और क्या चीज़ें हमें बोलनी है. Yes guys, so wherever you get the chance to listen the people out there, whether you can listen from the people, from the native speaker, otherwise anywhere else, जहाँ कहीं भी आपको लोग like English बोलते हुए मिल जाए, तो try to listen them and try to keep the things in your mind. Yes, second, use it or lose it. Yes guys, सही सुना आप सभी लोगों ने. जो इंग्लिश में एक फ्रेज बोला जाता है, यूज इट और लूज इट. आई नो दैट वी आर लिविंग इन इंडिया, हम सब इंडियंस हैं, इंडिया में रहने वाले लोग हैं, एंड ऑब्वियसली वी हैव बीन लिसनिंग इंग्लिश फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे हम बोलते नहीं हैं इंग्लिश को, लेकिन हम इंग्लिश को सुनते हुए सभी लोग हम इंग्लिश को सुनते हुए आए हुए हैं अभी तक, जब तक हमने सुना है बचपन से लेके आज तक. यस yes, हमें बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन हमेशा हम एक चीज़ से डरते हैं, हम उसको यूज़ कैसे करेंगे. यस गाइस, हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो मेरा कहने का मकसद यही है कि यस yes, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसको यूज़ करिए, अदरवाइज यू आर जस्ट गोइंग टू लूज. जस्ट लाइक मनी, आपके पास पैसा बहुत है, आपको खर्च करना नहीं आता है, तो क्या करते हैं आप, यू आर जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर मनी. दैट्स अ सिंपल थिंग. अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है और आप बोल नहीं रहे हैं तो यू आर जस्ट सिंपली वेस्टिंग योर मनी. थर्ड, लर्न फ्रेजेस. यस गाइस, कहने का मकसद मेरा ये है कि फ्रेजेस, अगर आप वोकैबुलरी यूज करते हो, याद करते हो, दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप फ्रेज को याद कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा rather than using vocabulary. Vocabulary is necessary. अगर आप छोटे छोटे वर्डों को याद करते हैं this is fine. But अगर आप एक whole phrase को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा effective होगा. तो rather than using a short vocabulary, short words, just try to learn phrases, guys. Fifth, don't be afraid to make mistakes. Yes. कहने का मतलब मेरा ये है, यस, बहुत सारे लोग हमारे लाइक स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बोलने की कोशिश तो करते हैं बट हमेशा वो एक चीज़ से डरते हैं, यार कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं कुछ बोल रहा हूँ मैं कुछ गलती तो नहीं कर दूंगा. यस yes, बहुत सारे लोग आपकी तरह, मेरी तरह, आप सभी लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं. इनिशियल लेवल पे हम लोग ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि यार गलती तो नहीं होगी मुझसे. नहीं, गलतियाँ सब लोग करते हैं. कहते हैं ना कि एक फ्रेज बोला जाता है, कहते इंसान तो गलतियों का पुतला है. जस्ट ट्राई टू कीप ऑन कमिटिंग मिस्टेक्स एंड मेक श्योर ट्राई टू मेक इट करेक्ट एज वेल. सिक्स, लर्न फ्रॉम एवरीवन. यस गाइस, हमें हर एक इंसान से सीखते हैं, हम बचपन से लेके अब तक हर एक इंसान से, हर एक व्यक्ति से सीखते हुए आए हुए हैं. तो यस, हमें हर एक इंसान से सीखना है इंग्लिश. जो भी अगर कोई इंग्लिश बोलता है, ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीवन. यस, कहते भी हैं कि लाइक इंसान की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स ऑल्सो. तो कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एंड डू नॉट बी जजमेंटल. सेवेंथ, यस, स्टॉप थिंकिंग दैट यू डोंट नो इंग्लिश. हमारे दिमाग में हमेशा से एक हवा बना हुआ है. लाइक हवा क्या बना हुआ है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है. कोई भी हमसे पूछता है इंग्लिश आती है आपको, हम यही बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती है. तो बेसिकली हमने अपने दिमाग को, माइंड को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि हमें अगर आती भी है इंग्लिश, थोड़े बहुत वर्ड्स या फ्रेजेस आती भी हैं, तो हम यही सोचते रहते हैं यार हमें इंग्लिश नहीं आती. एंड प्लीज़ गाइस, स्टॉप थिंकिंग दैट. इतना बोझ लेके मत चलिए हमेशा दिमाग पे. अगर आप आज से ही कोशिश करते हैं तो आप आज से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. कहते हैं कि कभी भी देर नहीं होती किसी काम करने के लिए, इट्स नेवर टू लेट टू मैन. तो स्टॉप थिंकिंग दैट यू डोंट नो इंग्लिश, जस्ट ट्राई टू थिंक मुझे इंग्लिश आती है, मैं सीख रहा हूँ. यस, आई एम द लर्नर एंड वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स ऑल्सो. एट, यस, मोबाइल.
आजकल मोबाइल एक ऐसी ज़रूरत बन चुकी है हमारे लिए, मोबाइल हर किसी के पास होता है. यस, एवरीबडी हैज मोबाइल दीज डेज, हर किसी के पास मोबाइल होता है. कनेक्टिविटी जियो तो फ्री है वैसे भी, आपको पता है. एंड ऑब्वियसली ट्राई टू मेक श्योर, अगर आप मोबाइल का यूज़ करते हो, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, ट्राई टू यूज़ मोबाइल इन अ करेक्ट वे. मतलब कहने का ये है, हमेशा आप मोबाइल में, व्हाट यू कैन डू एग्जैक्टली, आप मोबाइल में चीज़ों को सर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ फ्रेजेस सीखना स्टार्ट कर सकते हैं. यस, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर मल्टीमीडिया हेडफोन्स. नाइन्थ, एक्सेप्ट दैट इंग्लिश इज अ वियर्ड लैंग्वेज. यस, मैंने सही कहा, इंग्लिश इज अ वियर्ड लैंग्वेज. हमें यही समझना है, हमें अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि इंग्लिश एक तरीके से कोई लेवल नहीं है किसी की इंटेलिजेंस को जज करने का. इट्स अ काइंड ऑफ वियर्ड लैंग्वेज. सो लाइक बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार हम गलतियां करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे. यस, इंग्लिश इज इट्सेल्फ अ वियर्ड लैंग्वेज, सो व्हाई नॉट जस्ट थिंक दैट इट्स जस्ट अ नॉर्मल लैंग्वेज, नथिंग एल्स. 10, कीप ऑन वॉचिंग आर वीडियोज. यस गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. ऑब्वियसली अगर आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी. और आप सब्सक्राइब करते हैं और देर इज़ अ बेल आइकन, ट्राई टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो, तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी. एक मेरे लिए मोटिवेशन मिल जाती है कि मैं आपके लिए नई चीज़ें और भी लाता रहूँ. तो प्लीज़ ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़. ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. Keep watching my videos and keep learning English. So there is goodbye guys. Nice meeting you. See you tomorrow. Have a nice day. Goodbye. Take care. Ciao.